इस वक्त हैं हम टर्की के कप्पाडोकिया में। चारों तरफ आप केव्स देख रहे होंगे, गुफा, और ये कहा जा रहा है कि ये लगभग 2000 BC उस समय ये गुफा बनाए गए थे, मतलब आज से 4000 साल पहले, और तब यहाँ लोग गुफा में रहते थे। ये 2-bedroom set है, हाँ, इसमें लोग रहते थे। आइए थोड़ा ऊपर चलते हैं, वैसे मेरा दम फूल गया है। पहाड़ी है, पहाड़ी रास्ता में ऐसे चलने में। अब हम पहुंच रहे हैं टर्की के कप्पाडोकिया इलाके में, जो इस्तांबुल से 1 घंटे की फ्लाइट लेकर यहां पहुंचा जा सकता है। सामने जो देख रहे हैं बड़ा सा टीला है, छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं वो होटल्स से, और पीछे जो विशाल टीला है उसमें गुफा कई बने हैं, केव। तो दरअसल ये टर्की की केव सिटी है, केव सिटी ऑफ टर्की, जिसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। अगर इतिहास में देखें तो कहा जाता है कि 6 करोड़ साल पहले, 60 मिलियन साल पहले यहां ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, और उसी से ज्वालामुखी के राख से, मिट्टी से, समय के हिसाब से, पानी मिलने से, ये इस तरह से गुफाएं, चट्टाने यहाँ कप्पाडोकिया में बन गई। और उन्हीं गुफाओं और चट्टानों में हजारों साल तक लोग यहाँ के रहते रहे। जो अगर आप गूगल सर्च करेंगे, विकिपीडिया या इस तरह के जनरल नॉलेज वाली जानकारी की वेबसाइट देखेंगे, तो कहते हैं कि 6th century BC, मतलब आज से 2600 साल पहले यहाँ कप्पाडोकिया के बारे में पता चला। कप्पाडोकिया भी बोलते हैं, कप्पाडोसिया भी बोलते हैं, लेकिन जो यहाँ गाइड हैं वो बताते हैं कि यहाँ का इतिहास करीब करीब 4000 साल पुराना इतिहास, मतलब इन गुफाओं में लोगों के रहने का इतिहास। इन्हीं गुफाओं में जो ये चट्टान बने हैं, अलग अलग शक्ल के चट्टान है, ये चट्टान जो ज्वालामुखी फटने से बने, इन चट्टानों में गुफाएं, केव, और उसी केव में सैकड़ों साल तक, 2000 साल, 2600 साल का तो इतिहास है। ऐसे जैसा कि मैंने बताया, गाइड और बाकी लोग बोलते हैं कि लगभग 3500-4000 साल पहले से लोग गुफाओं में रहने लगे थे, और बहुत सारी सैकड़ों ऐसी गुफाएं थी जिसमें 50-60 साल पहले तक भी लोग रहते थे। तो ये कप्पाडोकिया है, और कप्पाडोकिया के बारे में जो बहुत सारी जानकारियां, कहानियां हैं, उसमें ये भी है कि इस इलाके से गुजरने वाले, जब वाइजेंटाइन शासन था, रोमन साम्राज्य, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी के पहले तक, जब तक ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा नहीं किया था टर्की पर, तब तक यहाँ जो ईसाई लोग रहते थे, ऐसे गुफाओं में रहते थे, और उस दौर में 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी में, और उसके बाद भी 10वीं, 11वीं शताब्दी में, जब अरब इधर से गुजरते थे कप्पाडोकिया इलाके में, तो अरब सिपाही या अरब फौजों के आने से पहले यहाँ के लोग जो उन पहाड़ियों में बनी गुफाएं हैं, उन गुफाओं से निकलकर एक अंडरग्राउंड गुफा उन्होंने बनाया था, अंडरग्राउंड सिटी बनाया था, उसमें उनसे बचने के लिए चले जाते थे। तो यहाँ बहुत सारे लोग वो देखने भी आते हैं, अंडरग्राउंड केव सिटी, जो अभी कुछ 100 साल पहले डिस्कवर हुआ, हालांकि उसके बारे में भी लोग बोलते हैं कि 2500 साल पहले से केव सिटी यहाँ है, लेकिन 15-16 साल का तो इतिहास है ही केव सिटी में। तो ये कप्पाडोकिया है। हाउस, मैन मेड हॉल्स, कैन बी स्मॉल वन रूम, कैन बी मेनी रूम्स, बट दे आर ऑल केव, शुड बी इनटू द रॉक। एंड सो द एंटायर माउंटेन पीपल यूज्ड टू डिग केव्स एंड स्टे इनसाइड, राइट? फ्लोर, 3 floors, 4 floors, सो दे वर लिविंग इट। फॉर एग्जांपल, द होटल अप देयर, it was part of cave houses, family owns, the maybe 2-3 families were owning, and now they made hotel, and these stone houses made front of the cave. Interesting. Yeah, it was people live in the cave because hum log hain abhi Turkey ke
कैपाडोकिया में, कैपाडोकिया, कैपाडोकिया, कैपाडोसिया भी बोलते हैं यूरोपियन इलाकों में, कैपाडोकिया, और सैकड़ों साल पुरानी ये केव सिटी है, जहाँ कहते तो हैं कि 2000 से 3000 साल पहले भी जो लोग यहाँ रहते थे विलेज में, गांव में, वो ऐसे केव में रहते थे। और अभी हम एक केव सिटी भी देख कर आए हैं जो अंडरग्राउंड केव सिटी है, तो ऐसे गांव में रहते थे। तो अभी एक ऐसे इलाके में हम टूर कर रहे हैं, क्योंकि बताया गया अब सैकड़ों साल, हज़ारों साल पहले, जबकि भी कहानी है, कुछ लोग जैसे गाइड हमारे बता रहे हैं कि 2000-2500 साल पहले का इतिहास है यहाँ का। Pigeon houses. So who created these pigeon houses? The people who has house here, they own one room over there and they put pigeons. Okay. And one room maybe consists of 100 pigeons. Oh. Their poops used as fertilizer. Oh. They obtain of fertilizer from the pigeon waste. And inside of pigeon houses consists of many holes like this. So interesting is this. इस वक्त हैं हम टर्की के कैपाडोकिया में, कैपाडोकिया, कैपाडोकिया इस्तांबुल से एक घंटे की फ्लाइट है, और चारों तरफ आप केव्स देख रहे होंगे, गुफा, और ये कहा जा रहा है कि ये लगभग 2000 BC उस समय ये गुफा बनाए गए थे, मतलब आज से 4000 साल पहले, और तब यहाँ लोग गुफा में रहते थे, और 60 और 70 के दशक तक यहाँ गुफाओं में लोग रहते थे। अभी एक केव सिटी भी है यहाँ कैपाडोकिया में, जहाँ अंडरग्राउंड केव सिटी है, जिसमें ज़मीन के नीचे कैसे लोग गुफा में, जब यहाँ से जो वॉरियर्स या अलग अलग देशों के जो लोग सेनाएं जाती थी, तो उनसे बचने के लिए कि वो हमलावर ना हो या हमला ना कर ले करें या नुकसान ना पहुँचाएं, इसलिए ज़मीन के पीछे नीचे छिपते थे। तो वो तो एक अंडरग्राउंड केव सिटी है, लेकिन ये एक केव विलेज, जिसमें उस दौर में जो लोग गुफाओं में रहते थे, वो अब उन्होंने, उनके जो परिवार या अगली पीढ़ी, उन्होंने यहाँ पे अपने घर बना लिए नीचे, लेकिन कहा जा रहा 60-70 के दशक में यहाँ लोग रहते थे। और ये उससे पहले अगर जाएंगे पास्ट में, तो इसका लगभग 4000 साल पुराना इतिहास है इस केव विलेज का, केव सिटी का। और इस तरह से कई हिल्स हैं जहाँ ऐसे केव्स बने हुए हैं, और ऊपर चोटी पर, पहाड़ पर विंडो है, उसमें दरवाजे ऐसे काट के बने हुए हैं, और उसमें एक रूम, दो रूम ऐसा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक केव सिटी की तरफ, केव विलेज की तरफ। दरअसल एक लोकल गाइड भी है, और उसके बाद आपको हम दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें। फोकस हमारा ज़्यादा तस्वीरों पर रहेगा, क्योंकि मुझे भी हैरानी, चार बार मैंने गाइड से पूछा कि क्या 2000 साल 1000 साल पहले, BC के पहले, मतलब समझो आज से 3000 साल पहले, बोला कि यही हिस्ट्री है, यही लोगों का, यहाँ जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने यही डिस्कवर किया कि ये 2000 से 4000 साल पहले के सारे केव्स बने। तो देखते हैं, केव्स की बात बहुत कुछ सुनी थी यहाँ आने से पहले, लेकिन अब ये तस्वीर देख रहा हूँ। अब देखो, जैसे ये सामने केव दिख रहा है आपको, अब इसमें अलग अलग फैमिली रहती होगी। ये केव दिख रहा है नीचे, ऊपर, ऊपर एक रूम वाला केव आपको दिखेगा, फिर नीचे केव है, अगर इसको वाइड करेंगे तो यहाँ है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ आपको उस समय रहते थे, उसके निशान यहाँ है उनके केव्स के। अब जैसे एक ये केव है, ये एक्चुअल एक है, टू बेडरूम। एक मिनट, एक मिनट बताओ क्या कह रहे हो। ये टू बेडरूम सेट है, हाँ, इसमें लोग रहते थे। अच्छा, एक मिनट, आराम से, आराम से, ये टू बेडरूम सेट है। नहीं नहीं, एक मिनट आप बताओ, जो बताया गाइड अभी क्या बताया। ये टू बेडरूम सेट है, ये एक बेडरूम है, ये फायर प्लेस है, विंडो है। अच्छा, ये केव का टू बेडरूम सेट है। अच्छा, नीचे एक रूम है, गाइड सामान रखने की जगह है, हाँ, दूसरा बेडरूम है। ये टू बेडरूम केव है दरअसल। 4000 वर्षों से लोग 1970 तक इसमें थे। हाँ, ये गाइड जो बताया। और यहाँ देखिए आंगन हो गया, हाँ, खुला इधर, इधर पेड़ है, और ये पड़ोसी का घर है। और संभव है कि पड़ोसी का घर उधर खुलता हो पहाड़ के, और उसमें भी कोई पड़ोसी हो, तो ये पूरी बस्ती है, पूरी खिड़कियां देखिए, खिड़कियां हैं, और फैमिली हाउस। अच्छा, ओके, दे मेक हाउस, दे मेक लिटिल गार्डन, पिजन हाउसेस, सो दिस वाज देयर लाइफ।
तो एक कम्युनिटी कुछ लोगों का जो यहाँ पे रहता था, जॉइंट फैमिली, ये देखिए दूसरा, अच्छा, ये सिस्टर ब्रदर्स और टू ब्रदर्स एंड द ग्रैंड पेरेंट्स दे लिव टुगेदर। ये दूसरा कमरा है देखिए, अब इधर देखिए, ये दूसरे भाई का होगा किसी, हाँ हो सकता है उस एक्सटेंडेड फैमिली का हो, तो ये फिर एक केव है। हालांकि ये तो फिर भी आपको जो केव दिख रहा है ये नीचे है, लेकिन बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां हैं जिसमें टॉप पर केव है, एकदम टॉप पर। अब ये जैसे आपको दिखा रहा हूँ अंधेरा है, इसमें नीचे लगता है अलाव या चूल्हा होगा दरअसल। ये देखिए, एक ये भी केव है, ऊपर हम चलते हैं देखिए, ये भी केव है। अब ये ऊपर, यहाँ तक हम जा नहीं पाएंगे अभी, ये ऊपर है, अब फिर हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब यहाँ आने से पहले, टर्की आने से पहले मैंने बहुत केव सिटी के बारे में, केव टाउन के बारे में बहुत सुना था, और यहाँ उसी तरह से अब बहुत सारे केव होटल बन गए, जैसे ऊपर एक होटल दिख रहा है, बहुत सारे केव होटल हैं। हाउ मेनी केव होटल्स इन दिस कैपाडोकिया? ओवर हंड्रेड्स। हंड्रेड केव होटल्स, मे बी मोर देन हंड्रेड। ओके, तो हंड्रेड से ज़्यादा केव होटल्स हैं, जैसे ऊपर एक आपको होटल दिख रहा है। ये क्या है कि किसी का होगा, जिस फैमिली का होगा केव, उन्होंने किसी होटल वाले को दे दिया, और ऊपर आपको दिख रहा होगा कि वो होटल बन गया। ऊपर ऑब्वियसली होटल वालों ने थोड़ा मेंटेन किया होगा, स्ट्रक्चर बनाया, तो ऐसे केव विलेज में एक होटल बन गया। अब ये देखिए, जैसे अब ये उस समय की स्थितियों की कल्पना करिए, पानी बिजली कैसे क्या इंतज़ाम रहे होंगे, बिजली तो है। अब उस समय की स्थितियों की कल्पना कीजिए, रोशनी कहाँ से अंदर केव में आती होगी, पानी का क्या इंतज़ाम होगा, और इस तरह की गुफाओं में पूरा कुनवा रहता था, परिवार कहें, एक्सटेंडेड फैमिली, रिश्तेदार, सब ऐसे गुफाओं में रहते थे। और सबसे बड़ी बात है कि 70 और 60 के दशक तक में यहाँ गुफाओं में लोग रहते रहे, और गाइड ने बताया कि उस समय जिसकी जैसी हैसियत थी, ये चूल्हा है अंदर, और ये रूफ है, और ये देखिए रोशनी के लिए ऊपर से, रोशनी और हवा के लिए ऊपर से वेंटिलेशन है, ये सामान वान रखने की इनकी जगह है, ऐसे बना हुआ दराज टाइप का, ये कुछ वाटर बॉडी है शायद, यहाँ कुछ स्टोरेज करते होंगे। वैसे मुझे बताया गया कि ये लोग अंगूर से कुछ देसी वाइन टाइप का बनाते थे, शायद ये उसी के लिए जगह है, जो गाइड मुझे बता रहे थे कि यहाँ अंगूर, और यहाँ के जो भी अंगूर से सबसे अधिक, चूँकि अंगूर यहाँ बहुत होता है, तो ये वाइन बनाते होंगे। ये जैसे एक रूम हो गया, बीच में चूल्हा दिख रहा है, और ये छत मैंने आपको दिखाया। ऐसे जो हजारों लोग यहाँ रहते थे, उनके लिए अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से सबने एक, किसी की एक कमरे का, किसी का केव होगा, किसी का दो कमरे का, और इस तरह से गुफाओं में लोग रहते थे। ये मैंने पहली बार इस तरह से देखा है, जो स्ट्रक्चर की पूरा विलेज, या कहें कैपाडोकिया पूरा शहर, वो केव सिटी है, केव में ही लोग रहते थे। हजारों साल पहले की सभ्यता, उस समय लोगों के रहने के तौर तरीके, उन सबको महसूस करने के लिए केव सिटी आ सकते हैं। जब जितनी बार आप देखेंगे, जैसे मैं जितना देख रहा हूँ, हैरान हो रहा हूँ कि अच्छा यहाँ रहता होगा, ऐसे रहता होगा। अब देखिए ये सारी तस्वीरें जो है, ये भी एक केव है, ऐसे जाते जाएंगे ऊपर तक, टॉप तक, केव ही केव है। इसी में बहुत सारे होटल्स बन गए। अब ये भी केव है, ये देखिए
हैरान करने वाला तजुर्बा अनुभव अगर आप यहाँ आते हैं तो। ऊपर कोई होटल दिख रहा है, फेरीलैंड केव होटल, ये सड़क ऊपर तक गई। अब गाइड मेरे नीचे गए इसलिए मुझे भी नीचे जाना होगा और थोड़ा दम इसलिए फूल रहा है क्योंकि पहाड़ी है, काफ़ी ऊपर नीचे है। ये देखिए ये सब खंडहर में तब्दील हो गया है। अब कल्पना कीजिए 2000-2500 साल पहले जब भी लोग रहते होंगे, हजार साल पहले जब भी, तो कैसे रहते होंगे ऐसे गुफाओं में। पत्थर काटकर बनाया गया है इस केव सिटी को। और एक खास बात है जो कैप्पाडोकिया में जो एक अंडरग्राउंड केव सिटी है, जो गाइड ने बताया कि वो डिस्कवर हुआ कई सौ साल तक वो पता नहीं चला कि उसके नीचे केव सिटी था या केव विलेज जो भी था। वो डिस्कवर तब हुआ जब कोई किसान उस केव विलेज के ऊपर जो खेत जैसा था उस पर खेती कर रहा था, ट्रैक्टर चला रहा था कुछ ऐसा, तो नीचे कुछ खंडहर सा होने का एहसास हुआ और तब खुदाई हुई तो पता चला नीचे गुफा जैसा बना रखा था। लेकिन उसकी कहानी ये बताया कि जो इधर से गुजरते थे अरब्स या यूरोपियन देश के लोग, वैसे लड़ाके वॉरियर सेना आर्मी, तो वो जो यहाँ की जनजातियाँ थी उस समय की जो लोग होंगे यहाँ के असली वाशिंदे, वो उन्हें लगता था कि कहीं वो जो सेना जा रही है इधर से, चूँकि इधर से गुजरने वाली सेना से कोई ख़तरा ना हो या कोई आक्रमण ना करे या लूटपाट ना करे, इसलिए जाकर वो उस तरह के अंडरग्राउंड गुफाओं में छिपते थे। हैं? और ये जो कैप्पाडोकिया है ये सिल्क रूट में आता था, तो इसलिए लोग छिपने के लिए केव में जाते थे। अब ये ऊपर की तरफ हम चलेंगे। ये सिल्क रूट में आता था। Was this on the Silk Route? What is Silk Route? Trading route. This is used to be Silk Road was passing from here, but there is no proper road left. I mean, people were passing. People were passing on the Silk Route through this, right? From here, yes. So these armies were from which all places, or which all armies used to cross this? Anybody, like I told the Persian, Greek, Romans, Mongols, Arabs. So different point in time, different armies, right? Yes. So this was the connecting route. It was crossing route, yeah. दम भूल गया भाई। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऊपर ऊपर क्या होटल है पता नहीं। हमारा होटल नहीं है, कुछ दिखाने ले जा रहा है। तुमको लग रहा है ऊपर भी सेटिंग होगा इसका? आइए थोड़ा ऊपर चलते हैं। वैसे मेरा दम फूल गया है, पहाड़ी है, पहाड़ी रास्ता में ऐसे चलने में, लेकिन गाइड ने बताया कि ऊपर कुछ और दिखाएंगे वो, तो इसे देखते हैं। और ये सामने फेरीलैंड केव होटल है जो ऊपर बना है, और ये होटल के जो कमरे केव में बने हुए हैं। तो ये खास बात है, केव की ओरिजिनलिटी को मेंटेन किया, ओरिजिनल केव उसी शेप में है, लेकिन थोड़ा उसको रीस्ट्रक्चर किया होगा, होटल टाइप से अंदर मेंटेन किया होगा, अंदर उसको उस तरह से दिखाया बनाया होगा ताकि सुविधा हो जाए, केव का केव भी रहे और होटल का होटल हो जाए। तो इसलिए, और उसके ऊपर नया स्ट्रक्चर दिख रहा है इधर, जैसे देखिए अब ये भी कोई होटल बना रहा होगा। केव अंदर है, उसके ढांचे में थोड़ा एक्सटीरियर और इंटीरियर चेंज किया और उसके बाद ये कोई होटल बन रहा है। ये भी केव होटल है। तो एक इसकी जो USP यही है कि केव सिटी है, उस केव सिटी में कुछ केव्स को किसी ने ख़रीदा होगा, जो भी सिस्टम होगा यहाँ का, और उसके बाद होटल का शेप दे रहे हैं वो लोग, और कुछ ओरिजिनल वैसे उसी शेप में। थक गए काफ़ी, चलते चलते। हाँ, ये टॉप पे आ गए। हो
ये देखो ये ऐसे ओरिजिनल केव रहा होगा, इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया अंदर और बाहर और यहाँ होटल बना दिया। ये रास्ता है पहाड़ पर आने का, हम लोग चूंकि सीढ़ियों से और ऐसे चढ़ाई चढ़ते हुए पैदल आए। ये तस्वीर है यहाँ की और ऊपर जो चोटी दिख रही है बड़ी पहाड़ी, वहाँ भी बहुत सारे केव है। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, मोबाइल की कुछ सीमाएं होती है, लेकिन ये देखिए आपको दिख रहा होगा वहाँ भी केव्स बने हैं। अब हम चलते हैं इधर जहाँ हमारे गाइड गए। दम फूल गया बहुत ज़्यादा, देखते हैं। वापस भी लौटना है। ये एक होटल है ऊपर, फेरीलैंड केव होटल, कैफेटेरिया इनका रूफ टॉप पे, होटल के रूफ टॉप पे, बेसिकली केव के टॉप पे ये इन लोगों ने स्ट्रक्चर बना के। अब ये जैसे ओरिजिनल है, हो सकता है कल को इसको भी कोई होटल वाला ले, लेकिन अंदर स्कोप नहीं है अंदर जाने के। ये भी है, ये केव है, ये ओरिजिनल केव है उसी शेप में जैसा रहा होगा। तो ये देखिए है ना हैरान करने वाली चीज़। यहाँ भी कोई छोटा सा कैफे है, ये मौसमी वगैरह बेच रही है। ऑरेंज कमिंग कमिंग, आई एम फ्रॉम इंडिया। नाइस, यस, जस्ट कमिंग इन 10 मिनट्स, कमिंग इन 10 मिनट्स। ये दृश्य है यहाँ का। अब ये गांव है पूरा, केव सिटी, केव सिटी, केव विलेज जो भी कहें, यहाँ से ये पूरा दिख रहा है। वाओ, अब इसको अगर हम जूम इन करें तो वो सामने भी होटल दिख रहा है, वो भी होटल में कन्वर्ट हो गया, पहले केव रहा होगा। इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं, ये देखिए ये केव है, वहाँ होटल बना दिया गया। और लेकिन बाकी जगह वैसे ओरिजिनल केव उस समय के ऐसे बचे। ये एक नीचे केव दिख रहा है जिसमें किसी का घर है, शायद रह रहे होंगे या जो भी होगा, और बाकी केव ही केव है। तो मानव सभ्यता के इतिहास में बहुत दिलचस्प कहानियाँ हैं और मानव सभ्यता के क्रमिक विकास में ऐसे केव, गुफाएं या जहाँ रहते थे उसके इतिहास को अगर समझेंगे तो लगेगा कैसे मानव सभ्यता विकास हुआ है, उसकी यात्रा, वो विकास यात्रा, और उस यात्रा के बारे में जानना कितना दिलचस्प है। और जहाँ हजारों साल के ऐसे अवशेष हों तो वो जगह ऐसे भी खास हो जाती है। जो बहुत शहर, जैसे किसी शहर का इतिहास 200 साल, 300 साल, 500 साल, 400 साल पुराना है, लेकिन अगर किसी सिटी या गांव का इतिहास 4000 साल पुराना हो तो आप देखिए वहाँ फिर क्या आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी केव है। अब चूंकि थक भी गए हैं, इधर कोई चर्च दिख रहा है, और चूंकि इस पे टर्की पर बाइजेंटिनियन शासकों का साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य था 14वीं शताब्दी तक, जब तक 14वीं शताब्दी में ऑटोमन ने कब्जा नहीं किया था इस्तांबुल को तब तक, तो इसलिए यहाँ उनके अवशेष भी मिलते हैं बहुत रोमन साम्राज्य के। लेकिन उसके बाद 14वीं शताब्दी के बाद तो जाहिर है इस्लाम और ऑटोमन साम्राज्य के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। ये भी ऊपर एक केव है, तो ये इसमें केव में कुछ लगता है वाटर बॉडी जैसा है, इन्होंने डेवलप किया होगा जिनका भी है। हाँ, तो थोड़ी थकान हुई, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। पैनोरामा ओल्ड ग्रीक हाउस, एरो मार्क किया हुआ है, ओल्ड ग्रीक हाउस लिखा हुआ है। इधर भी जाने के रास्ते बने हैं, इसको देखते हैं। देखिए अब ऐसे इसमें
तीन चार केव है। ये एक चबूतरा जैसा है, टेरेस कहिए, जिसका भी एक केव होगा। एक रूम, ये दो रूम, ये तीन रूम, ये कमरा है, और ये बाद में लगता है स्ट्रक्चर किसी ने बनाया होगा, और ये चबूतरा है बैठने का रूफ टॉप पर, रूफ टॉप टेरेस। और यहाँ से नीचे पूरा कैपाडोकिया का इलाका ऐसे दिखता है। अब हम नीचे चलेंगे, गर्मी भी बहुत है, पसीना भी बहुत चल रहा है। ओहो, आओ, ये देखिए हिल टॉप से आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही केव्स पहाड़ों पर बने हर तरफ। टेल मी समथिंग मोर अबाउट दिस केव सिटी। व्हाट एल्स यू वांट टू नो? आई थिंक इज एवरीथिंग वी ऑलरेडी नो। दिस इज 1972 पीपल लेफ्ट हियर because it was compulsory of government and now it's abandoned. Recently they get permission to return. As soon as they get permission to build things, they make the hotel. Okay, so from now on, maybe in 10 years all the ruins will be hotel, but until now they didn't give permission people to return because it was dangerous. But since technology is improved, they make nice things. Have you seen people living in these caves? I was born in the cave. Okay. I live until 13 you years old. You were born in caves? Yes. Okay, where is your caves? My village is about 20 kilometers in the east. Okay, तो ये हमारे गाइड साहब हैं, ये भी केव में पैदा हुए हैं। अच्छा। हाँ, इन्होंने बताया है कि I am born in exactly like caves. Exactly, geography. I yes. know very well. We had a donkey, horse, sheep, chickens. I was farming in the with the animals in the garden. Okay. Horse was for plowing field. अब चलें नीचे की तरफ। See, it's like animal stables, that kind of things they were using. Animals means horses. Horse, donkey, cow, donkey. Sheep, like this. Under the houses, animal stables, houses up there, living room, storage room, kitchen, no bedroom, because living room used as bedroom too. Okay. तो कैसा लगा राकेश जी आपको यहाँ के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ के सत्ताधिकारी होते तो इस सभ्यता को बचा के रखते, लोगों को इसमें रहने देते और इसकी सुरक्षा करवाते, क्योंकि ये दुर्लभ है। 4000 साल से 50 साल पहले तक कोई आदमी यहाँ रह रहा हो, और कितनी पुस्तें यहाँ पे पली बड़ी। हाँ, लेकिन एक लेवल के बाद रहना अनकंफर्टेबल होता है ना। जब यहाँ लोग रह रहे थे तब कोई सुविधा नहीं थी, यहाँ बिजली तो दूर की चीज है, रोशनी नहीं, पानी नहीं, जहाँ तहाँ से लाते हो। तो उसके बाद तो आदमी को फैसिलिटी चाहिए, सुविधा चाहिए। विकास के हिसाब से अगर लोगों का विकास नहीं होगा, हाँ, असली चीज है इसको संरक्षित करना, संरक्षित करना। किसको संरक्षित करें ताकि पता चले कि यहाँ सदियों पहले कैसे लोग रहते थे। सदियों पहले क्या, 50 साल पहले तक लोग इसमें थे। हाँ, मतलब सदियों पहले, मतलब 2000-3000 साल, चूंकि सदियों से कही है। हाँ, सही कह रहे। तो ये बाकी, अब हम नीचे चलते हैं। और ये टर्की मैं इस्तांबुल से करीब 1 घंटे की फ्लाइट है यहाँ आने के लिए, और यहाँ हॉट एयर बैलूनिंग के लिए कैपाडोकिया बहुत विख्यात है, दुनिया भर से लोग आते हैं, और साथ में ऑब्वियसली केव सिटी तो खास आकर्षण है ही। केव सिटी, अंडरग्राउंड केव सिटी, केव विलेज, सब कुछ। एक चर्च है, ओल्ड विलेज चर्च, ये भी केव में बना हुआ है।
ये देखिए, थोड़ा सा मेंटेन किया गया है इसको, लेकिन ओरिजिनलिटी वैसे ही है। रूफ को थोड़ा पेंट वेंट किया गया है और ताकि साफ सुथरा लगे, लेकिन ऐसे ये भी एक केव है और ओरिजिनल उसमें शेप में। एक डॉग्स हो रहा है यार। अच्छा, नींद में तो बाद में देखा, नहीं तो डर से मैं आता भी नहीं है, लेकिन सो रहा है, प्यारा है। लाइट वाइट यहाँ लगी है। ऐसे कई चर्च भी हैं केव्स में, और गाइड ने बताया कि वो कबूतर खाना है, यहाँ के लोग कबूतर पालते थे, पता नहीं कैसे वहाँ जाते थे और कैसे कबूतर को दाना देते थे। बताता है कि कबूतर की जो पॉटी जमा होती थी उसका कुछ फर्टिलाइज़र बनाते थे। तो ये टॉप पर है, एक और उधर केव दिख रहा है, पता नहीं मैं जूम इन कर पाऊँगा। ये देखिए, ये भी एक केव है, बहुत दूर पहाड़ी पर है, कुछ लिखा है उस पर। मतलब एक बात तो तय है कि आप यहाँ आएंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले शहर में और अत्याधुनिक शहर में, मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, वो सब देखना एक तजुर्बा होगा, कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा इलाका, केव सिटी, केव विलेज, ये देखने के लिए आपको कप्पाडोकिया ही आना होगा। और मैं किसी बड़े शहर को देखकर जितना आश्चर्यचकित नहीं हो सकता हूँ, हतप्रभ नहीं हो सकता हूँ, वो मैं यहाँ आकर हो रहा हूँ। क्योंकि बिल्डिंगें तो दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, शंघाई में भी है, सिंगापुर में भी है, यूएस, यूके, कहीं भी है, लेकिन इस तरह से केव को देखते हुए, आत्मसात करते हुए, सदियों पीछे के इतिहास में डुबकी लगाने की तरह है। आप याद कर रहे हैं, आप सोचने लगते हैं कि कैसे लोग रहते होंगे। ये सब देखते हुए आप सोचने लगते हैं कि यार कैसे रहते होंगे 1000, 2000, 2500 साल पहले। जो गाइड कह रहा है कि 60 और 70 के दशक में भी बहुत सारे केव में यहाँ लोग रहते थे। तो बहुत दुनिया के कई हिस्से मैंने घूमे हैं, कई शहर, कई देश, लेकिन अगर मैं आश्चर्यचकित हुआ हूँ, हैरान हुआ हूँ और बहुत कुछ संजो कर ले जा रहा हूँ जिसके बारे में लगातार मेरे दिमाग में कौनता रहेगा, वो ये गुफाएं हैं, कप्पाडोकिया की गुफाएं। कप्पाडोकिया टर्की में है, इस्तांबुल से एक घंटे की फ्लाइट है। केव सिटी बोलते हैं, केव विलेज कह सकते हैं। दुनिया के 50 शहर मैंने देखे होंगे, लेकिन कहीं हतप्रभ नहीं हुआ, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि शहर को देखकर लगे ये क्या होगा, कैसे यहाँ रहते होंगे। इतने सवाल पैदा हुए मुझे इन गुफाओं को देखकर, केव को देखकर। हालांकि आश्चर्यचकित होने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में, लेकिन मानव सभ्यता का इतिहास 3000-4000 साल के पहले के इतिहास में झांकने की कोशिश करते हुए, कल्पना लोक में ही जा सकते हैं आप, कल्पना कर सकते हैं उन 2000 साल 3000 साल पहले के जीवन के बारे में, उस समय के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, कैसे इस तरह की गुफाओं में वो रहते होंगे, ये सब कल्पना कर सकते हैं। और ऐसी कल्पना करने के लिए फिर तो ऐसा केव होना ज़रूरी है। तो एक अलग किस्म के तजुर्बे के साथ मैं इस कप्पाडोकिया से मैं जा रहा हूँ आगे किसी दूसरे मुकाम की तरफ, लेकिन अद्भुत है। और कभी आप भी गूगल, यूट्यूब पर बहुत कुछ यहाँ के बारे में होगा देखिए। हालांकि मुझे बहुत कम वक्त मिला, कम वक्त में जितना मैं देख सकता था उतना देख पाया, और जितना दिखा सकता हूँ उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। दुनिया के कई शहर आपने देखे होंगे, कई देश आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने गुफाओं का शहर, हजारों साल पुराने बने केव्स का शहर, केव सिटी या केव विलेज देखा है? ऐसे केव्स जो मेरे पीछे दिख रहे हैं, ऐसे केव्स जिसमें
कहा जा रहा है 3,000 साल पहले 4,000 साल पहले लोग रहा करते थे। ऐसे केव्स जो आज भी हैं, ऐसे केव्स जिसमें 60-70 साल पहले तक लोग रहते थे, और पूरा इलाका, पूरे इलाके की आबादी 200-400-600-800 साल पहले, 1,000-2,000 साल पहले इन्हीं गुफाओं में रहती थी, केव्स में। तो इसलिए यहाँ अगर आप आएंगे हतप्रभ होंगे, हैरान होंगे, मैं भी हैरान हूँ।